नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वैकेंसी के साथ। और इस वीडियो में उस वैकेंसी की डिटेल से हम बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। ये वैकेंसी निकली है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अंदर। और सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर जो पोस्टें निकली हैं वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें निकली हैं, लेकिन ये पोस्टें हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की। मुख्य रूप से यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 मंथ्स का रहने वाला है, उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर हम पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर पोस्टें हैं टोटल 8 हैं, जिसमें 2 SC की, 2 ST की, 2 UNRESERVED की, OBC की 1 और EWS की 1 है। टोटल 8 पोस्टें हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात है यहाँ पर जो पर मंथ पेमेंट है वो आपको 54,000 रुपये मिलने वाली है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस हॉनर से कर रखी है BSc नर्सिंग, या रेगुलर कोर्स कर रखा है BSc नर्सिंग का, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, या फिर आपने GNM कर रखी है और कोई भी स्टेट या जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर आपका नर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन है, तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अन्य रिजर्वेशन मिलता है वो गवर्नमेंट के अनुसार आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ अप्लीकेशन की। तो इसका जो फॉर्म है वो आप इसकी ऑफिशियल साइट से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो फॉर्म है वो आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट, या फिर बाय डाक के द्वारा, या फिर बाय हैंड भी जमा करवा सकते हैं। जब आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजते हैं तो इसका एड्रेस रहने वाला है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर BMHRC भोपाल, और ये भेजना आपको 28 अगस्त से पहले पहले। जब भी आप ये फॉर्म भेजते हैं तो लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। अगर अप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 500 रुपये फीस देनी होगी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, OBC के कैंडिडेट्स को, EWS कैंडिडेट्स को, और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर हम SC ST या PWD कैंडिडेट्स की बात की जाए तो उनको यहाँ पर फीस नहीं देनी होगी। जब भी आप फीस देते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी, और ये डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल के नाम से। इसके बाद इसकी जो कुछ अन्य कंडीशंस हैं वो आप इसकी PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। जब भी आप अप्लीकेशन भेजते हैं तो वो सारे के सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी मार्कशीट्स आ गई या फिर अन्य जो डॉक्यूमेंट्स आ गए, उनको सेल्फ अटेस्टेड करके ज़रूर भेजना पड़ेगा। अगर सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं भेजते हैं तो वहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दिखाते हैं इसका अप्लीकेशन फॉर्मेट। यह है इसका अप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको पूर्ण रूप से फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लगा दीजिए, और उनको साथ में अटेस्टेड भी कर दीजिए और उनको सेंड कर दीजिए। यहाँ पर पोस्टें 8 हैं, लेकिन पर मंथ अगर पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट, और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आप इसकी ऑफिशियल साइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।